दोस्तों, बद्री ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। और यहाँ पर बहुत सारी आजकल बीमारियाँ हो रही हैं, बहुत सारे, इतनी बीमारियाँ हो रही हैं, पहले इतनी बीमारियाँ नहीं होती थी, और नाना प्रकार की बीमारियाँ हो रही हैं हमारे खाद्य पदार्थ के वजह से। हमारे खाद्य पदार्थ जो हैं उसके अंदर अभी ऐसा है कि जो सब्जी हम लोग खाते हैं उन सब्जियों के अंदर क्या है, कीटनाशक दवाइयाँ बहुत ज़्यादा डाल दी जाती है। कीटनाशक दवाइयाँ जो है हमारे शरीर को बहुत ही हानि पैदा करता है, और इतनी हानि पैदा शायद पहले के ज़माने में नहीं करता था जितना कि आजकल करता है। तो इसको देखते हुए गुवाहाटी के उच्च न्यायालय ने एक एक आलेख था, वो आपका PIL 18/2018 नंबर का API, जिसका उच्च न्यायालय ने सुनवाया है, उसने कहा है कि गुवाहाटी के अंदर कोई भी सब्जी बिना चेकिंग का, बिना केमिकल चेकिंग का अंदर प्रवेश ना करें। उनके सैंपल को चेक किया जाएगा कि उसके अंदर केमिकल कीटनाशक दवाइयां जो हैं कितनी परसेंटेज हैं, कैसे हैं, जो आदमी के स्वास्थ्य में कितना हानि पैदा करती हैं। तो खैर, ये तो सरकार की बातें हैं, भारत असम सरकार ने भी इस पर बहुत जोर दिया है कि ये सब्जियों के अंदर बहुत सारे मतलब केमिकल, इस तरह के जो कीटनाशक दवाइयां हैं जो हमारे शरीर पर हानि करते हैं। लेकिन ये तो विषय जो है ये शोध का विषय है कि हमारे शरीर पर कितना असर करता है। तो ये जो है फार्म फ्रेश, एक बेनमून कंपनी ने एक ऐसा चीज़ बनाया जो कि हम अभी तो जो कुछ केमिकल वाली दवाई, केमिकल वाली वस्तुएं, केमिकल वाली जो भेज हम लोग खा ही रहे हैं, लेकिन क्या है कि सब्जियां जो हैं वो सब्जियां केमिकल वाली तो हर घरों में आ रही है, प्रायः प्रायः हमारे घर में, आपके घरों में, बच्चे भी खा रहे हैं, बूढ़े भी खा रहे हैं, सभी लोग खा रहे हैं। तो उसमें हम अभी कैसे बचें, किस तरीक़े से बचें। एक बेमून कंपनी ने एक ऐसा चीज़ निकाला है फार्म फ्रेश। ये फार्म फ्रेश क्या है, ये एक प्योर वेज एंड फ्रूट वॉश है। सब्जियां, केमिकल जो सब्जियां हैं, इन सब्जियों को वो क्या करता है कि वो 20 मिनट 25 मिनट इसे इस दवाई से मतलब कि इस केमिक इस जो रसायन से इसको धो लेना पड़ता है। 15-20 मिनट के अंदर क्या होता है कि उसके ऊपर जो केमिकल लगे रहते हैं, किसी भी तरह का जो केमिकल लगा रहता है उसको ये क्या करता है, हटा देता है। और उसके बाद में क्या है कि सब्जियों की गुणवत्ता को ख़त्म नहीं करता है, बल्कि उसको वैसा ही, उसके स्वाद में भी वैसा ही बना करके रखता है। अब ये पर्दे पर भी हमारा इसको देखिएगा। तो इस तरह से क्या है कि हमारा जो बीमारी जो है मतलब कि कुछ हद तक जो है वो फार्म फ्रेश से हम बच सकते हैं। लेकिन हमें ऑर्गेनिक खेती की तरफ ध्यान देना पड़ेगा। ऑर्गेनिक खेती क्या मतलब हुआ है कि जैसे गोबर इत्यादि दे करके हम सब्जियों को उगाए तो आदमियों के स्वास्थ्य को बहुत ही अच्छा और बढ़िया रिस्पांस मिलेगा। इससे क्या होगा कि आदमी का शरीर जो होगा, पहले के ज़माने में जिस तरह से खाद गोबर डाल डूल करके लोग ये करते थे, आज भी ऐसा ऑर्गेनिक कुछ निकला हुआ है जिससे कि हम डाल करके हम सब्जियों को उगाएँ तो कम से कम एक साइड जो है, एक तरह जो है सब्जियों के वजह से तो हम बचेंगे कम से कम। तो इस तरह से कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम अपने आप को, अपने बीमारी को हम बचा सकते हैं। और सरकार ने ये भी कहा है कि ये जो सब्जियां जो आ रही हैं इनके बारे में एक गठन किया गया है, असम के अंदर गुवाहाटी में एक गठन किया गया है जिसमें बड़े बड़े ऑफिसर लोग बैठे हुए थे। इन लोगों ने ये विवेचना किया है कि हम लोग किस तरीके से इसको रोक सकेंगे। अब सवाल ये है कि ये तो सरकार का विषय हो गया कि इस तरह से रुकेंगे, लेकिन हम अपने को बचने के लिए कम से कम फार्म फ्रेश जो है वो अपने शरीर के रक्षा करने के लिए हम इसका प्रयोग करें। सब्जी हो, फ्रूट हो, फल हो, जो भी हो, इन सब्जियों और फलों को हम धो देंगे तो उससे उनकी गुणवत्ता और काफ़ी हद तक उसका जो केमिकल का जो असर है वो उस पर ख़त्म होगा तो हमारे शरीर को अच्छा मिलेगा। हम चाहेंगे कि ऑर्गेनिक खेती की तरफ हम ध्यान लगाएं, ऑर्गेनिक खेती की तरफ हम अपने आप को मोड़ें, जिससे क्या होगा कि मनुष्य जाति का एक जो खा करके
जो उसको बीमारियों से, क्योंकि केमिकल शरीर में कीटनाशक चीजें जो है हमारे शरीर को, सारी दुनिया जानती है कि हमारे हमारे शरीर को नाश करता है। लेकिन सवाल यह है, ये शोध का ये प्रयोग का चीज है, ये गवर्नमेंट से लेकर के हम सभी जो साइंटिस्ट जितने भी लोग हैं, ये इसका पता लगाएंगे ये कितना परसेंटेज होना चाहिए। नहीं, लेकिन तभी भी हम इसके तरफ बढ़ावा नहीं देने के लिए कह रहे हैं। हम ये कहेंगे कि हम ऑर्गेनिक खेती की तरफ ध्यान दें। देखिए, आपको पर्दे पर ऑर्गेनिक खेती के बारे में भी कुछ कुछ दिखाई पड़ेगा। इस तरह से बहुत सारे लोग जो हैं इस तरह से खेती चालू कर दिए हैं इस चीज को देखते हुए। तो नमस्कार दोस्तों, हमारे ब्लॉग में बने रहिए, इस तरह से हम कुछ नई नई चीजें जो आपको हम देते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय आसाम।